नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको लेके आ गया हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर में। और ये है ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन, जो कि ओखला बर्ड सेंचुरी के नाम से ही है। और अगर आप अपने व्हीकल वगैरह से आते हैं तो ओखला बर्ड सेंचुरी में कोई पार्किंग नहीं है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, वहाँ कोई पार्किंग नहीं है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं मेट्रो स्टेशन पर, मैंने भी यहीं पर ही पार्क करी है। और फिर यहाँ से आपको इस फुट ओवर ब्रिज के थ्रू रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको लगभग 400-500 मीटर चलना पड़ेगा ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए। और अगर नियर बाय मेट्रो स्टेशन बताऊँ तो ये ही नियर बाय मेट्रो स्टेशन है ओखला बर्ड सेंचुरी के नाम से ही। तो अब हम पहुँच चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी पे। यहाँ पे दो गेट हैं, ये गेट नंबर 1 है, दूसरा गेट मैं आपको दिखा दूंगा। और ये सामने मेट्रो स्टेशन है जहाँ से हम अभी आए हैं। अभी मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। आज यहाँ पे वन महोत्सव भी है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, यहीं आके पता चला है। और यहाँ पे आपको एक टिकट देनी पड़ती है, जिसका प्राइस है 30 रुपये। 30 रुपये की टिकट आपको मिल जाएगी, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की टिकट मिलेगी और फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पे आए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी आपको भीड़ दिख रही होगी और ये डेकोरेशन वगैरह दिख रही होगी। यहाँ पर आपको ई रिक्शा मिल जाएंगी, जो कि आपको एक गेट से दूसरे गेट तक छोड़ेंगी, जिसका प्राइस है 20 रुपये, जो कि आपको गेट पर ही उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप वो टिकट ज़रूर ले लीजिएगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी आप जो ये सामने रास्ता देख रहे हैं, इसका नाम है नेचुरल ट्रेल। यहाँ पे दो तरीके की ट्रेल है, हालांकि ये ट्रेल ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी दूरी पे जाके ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप गेट से एंट्री लेंगे, एंट्री लेते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नीचे उतरने का रास्ता दिखाई देगा, वहाँ से आप उतर के इस ट्रेल पर आ जाएंगे। और फिलहाल वहाँ पर जैसे आपने देखा डेकोरेशन वगैरह हो रखी है, पुलिस के ऑफिसर्स वहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। वहाँ पर कुछ आपको फ़ोटोशूट के लिए कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं, सिटिंग वगैरह है, वहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है बर्ड सेंचुरी, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बर्ड्स हैं। हालांकि वो बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं किस किस तरीके की और कौन सी बर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। ये आप सामने की तरफ देख रहे हैं, सारी बर्ड्स यहाँ पर बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके नाम वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं। नेचुरल ट्रेल पे चलने पर आपको थोड़ी जंगल वाली फीलिंग आएगी। और यहाँ पर कुछ स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पर कुछ डेकोरेशन टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इस स्पॉट पर ये बोर्ड लगाई हुई है, ऐसा कुछ कुछ जगहों पे पीछे भी किया हुआ है, लेकिन जितने भी स्पॉट्स हैं ना वहाँ पर कपल वगैरह बैठे हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जगह पर जितने भी स्पॉट्स ऐसे बने हुए हैं वहाँ पर कोई ना कोई कपल ही बैठा हुआ है, तो मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई है। और अगर आप यहाँ पर बर्ड्स वगैरह की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद आपको दिख जाए या ना भी दिखे, मुझे भी भाई एक या दो बर्ड्स यहाँ पर दिखाई दी थी। और वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी वो बर्ड्स हैं। तो भाई यहाँ पे आके ना नेचुरल ट्रेल ख़त्म हो जाता है और फिर एक नॉर्मल रास्ता आ जाता है, जैसा आप सामने की तरफ देख रहे हैं। और ये काफ़ी लंबा रास्ता है, सीधा चलते जाएंगे तो आप गेट नंबर 2 पे पहुँच जाएंगे। इसके गेट नंबर 2 मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। और वहीं पे जाके यहाँ पे वॉच टावर बने हुए हैं, वॉच टावर पर आप जा सकते हैं, वहाँ से एक व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स के अलावा आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं भैंसों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा गाइस, मैं मजाक कर रहा था छोटा सा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बोर्ड्स पर उनके नाम लिखे हुए हैं। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मुझे कुछ बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिली, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक वो सामने बैठी है और एक छोटी सी और है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ वो भी। दोस्तों, आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, भाई अपने साथ खाना और पानी आप बाहर से लेके आइएगा। एंट्री गेट पर ही कुछ शॉप बनी है, वहाँ से भी ले सकते हैं।
क्योंकि अंदर अगर आप एक बार आ गए ना तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, खाना पीना कुछ नहीं मिलने वाला। इवन पानी की तो आप गलती से भी मत भूल जाना, पानी की बोतल ज़रूर लेके आना, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये काफ़ी लंबा रास्ता है भाई। और मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप एंट्री पे वो ई रिक्शा वगैरह की टिकट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और किसी को अगर चलने में कोई दिक्कत नहीं है तो भाई बिल्कुल आप टिकट वगैरह ना लीजिएगा। और मैं आपको भी गूगल के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ये ओखला बर्ड सेंचुरी का गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर जो 2 है इसके बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है। गूगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 2.7 किलोमीटर है और 32 मिनट्स का टाइम लगेगा, लेकिन जो मुझे टाइम लगा था वो लगा था लगभग 40 से 45 मिनट का। और क्योंकि आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको आना जाना दोनों करना है, और अगर आपने मेट्रो स्टेशन पर अपना व्हीकल पार्क किया या आपको मेट्रो स्टेशन जाना है तो आपको उसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप जो यहाँ पे ई रिक्शा वो की फैसिलिटी अवेलेबल है उसको यूज़ कीजिए और उसकी टिकट ले लीजिएगा। और ये रेड एरो में यहाँ पे वॉच टावर भी दिखा रहा है। भाई लोग काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद मैं पहुंच गया हूं गेट नंबर 2 पे। ये सामने गेट नंबर 2 है, ठीक है। और यहां पे जो अगर आप सीधा चले जाएंगे तो यहां पे वॉच टावर का जो रास्ता है वो आ जाएगा। अभी मैं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा देता हूं, इस पे एरो बना हुआ है कि वॉच टावर का जाने का रास्ता सामने की तरफ है। तो आप यहाँ से सीधा चले जाइए अगर आपको वॉच टावर देखना है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आज वन महोत्सव था। तो वन महोत्सव दोस्तों होता क्या है बेसिकली मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जैसा यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड्स पे आप नाम पढ़ पा रहे हैं, यूपी पुलिस के ऑफिशियल्स के नाम है, और इन्होंने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं, तो शायद यही वन महोत्सव होता है, पेड़ वगैरह लगाना। दोस्तों यही रास्ता आपको वॉच टावर की तरफ ले जाएगा, हालांकि वॉच टावर मैं तो नहीं जा पाया और मुझे ना ही यहाँ कोई एरो दिखाई दिया, ना ही मेरे अलावा मुझे यहाँ कोई और दिखाई दिया कि किसी से मैं पूछ लूँ भाई वॉच टावर किधर है। और मैं पहली बार यहाँ आया था इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि वॉच टावर कहाँ पर है, और इस वजह से मैं वापस चला गया क्योंकि मुझे अभी काफ़ी किलोमीटर वापस भी जाना है और गर्मी और प्यास मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं यही है ओखला बर्ड सेंचुरी का गेट नंबर 2 जो मैं आपको अंदर की तरफ से दिखा रहा था। और इसके बाद से ही कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है अंदर की तरफ से ही, जहाँ पे आपको वॉच टावर के लिए ले जाएगा वो रास्ता, लेकिन मैं आपको वॉच टावर नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं भी यार पहली बार आया था यहाँ पे और मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतना चलना पड़ेगा और अंदर कोई पानी वानी मिलने नहीं वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा।